नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा और इसके अलावा क्या क्या उस सिलेबस में पूछा जाएगा और कहां कहां से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो पूरा वीडियो देखिएगा सो दैट आपको पूरा आइडिया लग सके कि कम समय में इंग्लिश की तैयारी कहाँ से अच्छी हो सकती है। देखिए आरबीआई का जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा इसके इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप आईबीपीएस पीओ में देते होंगे। आईबीपीएस या बैंक का जो भी सिलेबस होता है पूरा वही सिलेबस होगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में आगे पीछे हेर फेर होगा, अदरवाइज आपका वही वाला पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा। सबसे पहले देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद में क्लोज टेस्ट के आपके कभी कभी 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी इसमें 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये मान के चलिए क्लोज टेस्ट भी आपके 100% आने हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के कभी कभी 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये चीज़ बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कैसा पेपर सेट किया गया है। उसके बाद में पैरा जंबल के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप अपना कहीं पर पेन से नोट कर लीजिए जो जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर उसके बाद में आपके फिलर्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि वोकैबलरी पर बेस्ड होते हैं, 5 क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको वोकैबलरी स्ट्रांग होनी ज़रूरी होती है जिसमें आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही टिक करना होता है। उसके बाद में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए भी आपको अच्छे से चीज़ें तैयार होनी चाहिए तभी आप सेंटेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए कि इतने तो टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद ये समझिए कि पेपर को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक्चुअली में कॉम्प्रीहेंसन वाला जो पार्ट होता है ये आपको बड़ा सा इंग्लिश का पैसेज दे दिया जाएगा जिसको पढ़ने में आपको टाइम बहुत लगेगा और एग्ज़ाम में आपके पास टाइम की कमी होती है। तो करना क्या है, ये जो कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन हैं 10 में से 2 क्वेश्चन आपके वोकेबलरी पर बेस्ड होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि इन 2 वर्ड्स के एंटोनिम या सिनोनिम्स पूछ रहा होगा। तो आप 10 में से शुरुआत में ये 2 क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट कर लेंगे क्योंकि उसमें आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स बताना होगा, यानी कि अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आपके ये 2 नंबर पक्के हो गए, ठीक। इसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको पैसेज ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक। बचे हुए इसके जो 8 क्वेश्चन हैं वो आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट होता है, तो अगर आप इस पर टाइम वेस्ट कर देंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो ये बचे हुए क्वेश्चन हैं ये आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या अटेम्प्ट करेंगे वो समझिए। सबसे पहले जब पेपर आपको इंग्लिश वाला करना स्टार्ट करेंगे आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे क्लोज टेस्ट। ये बहुत ही एक तरीके से एक पैसेज दिया होता है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको फिल करना होता है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 में से लोगों के 8 से 9 क्वेश्चन भी बिल्कुल सही हो जाते हैं और नॉर्मली 7 से 8 तो आपके सही हो ही जाएंगे। ये एक ऐसा पोर्शन जिसमें कम समय में बिल्कुल आपके श्योर मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई डाउट वाला केस नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद में सेंटेंस में जो एरर फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसको अटेम्प्ट कर लेंगे क्योंकि उसको करने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्पीड से आप कर लेंगे इसको। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन उसके बाद में अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद में फिलर्स वाले क्वेश्चन जो वोकैबुलरी पर बेस्ड होते हैं इनको भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे। और इसके लिए मैं आपको बता दूं ये जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन है इसमें जो फिलर्स वाला, इसके लिए आपको वोकैब आनी चाहिए और इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला जो चैप्टर होता है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर आपके पास में आपने पहले से तैयारी कर रखी तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास में समय नहीं है ज़्यादा तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रखा है कि वोकैबुलरी को ट्रिक से कैसे याद करें। वोकैबुलरी और इडियम्स दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है, वहाँ से जाकर आप वोकैबुलरी और इडियम्स पढ़ लें, आपका 2 से 3 दिन में वो सारे वीडियो देख लेंगे आप और ऐसी ट्रिक से आपको वीडियो वोकैबुलरी याद हो जाएगी कि आप हमेशा कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो समझते हैं। देखो इंग्लिश का जो ये वाला पोर्शन मैंने बताया यहाँ पर बता देता हूँ, ये सारे क्लोज टेस्ट, सेंटेंस, पैरा जंबल, इन सब चीज़ों के लिए करने के लिए आपकी ग्रामर थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो ग्रामर के लिए अब 2 बुक मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी बुक हैं जिसमें आप कम समय में ज़्यादा इफेक्टिवली और बड़े सीक्वेंस वाइज पढ़ सकते हैं।
नीतू सिंह मैम की एक बुक आती केडी कैंपस की इंग्लिश की, ठीक है, इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके बुक आती है, दो पार्ट में आती है, ये वाली बुक परचेज कर लेंगे। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये तो बेस्ट बुक्स हैं इंग्लिश सीखने के लिए कम समय में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं 10, वो अगर आपको 100% सही करने हैं तो आप ये वाली बुक जो आप देख सकते हैं, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, डॉक्टर अशोक सिंह की बुक है, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर करके एक बुक आती है, ये बेस्ट बुक है आपके कॉमन एरर्स वाले क्वेश्चन के लिए। बस ये दो बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक तो ये नीतू सिंह मैम की और दूसरी ये वाली बुक। इन दोनों बुकों से ही आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इतना आप कर लेंगे कि आपकी कट ऑफ अच्छे से निकल जाएगी और आप अच्छा स्कोर भी कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों बुक्स के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आराम से देख लीजिएगा। वोकैबुलरी आप मेरे वीडियोस से सीख लेंगे, बची हुई चीज़ों को आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो ये है कि कम से कम आपका कट ऑफ निकल जाएगा और एग्ज़ाम आपकी क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सो दैट बाकी लोगों तक भी ये पहुँच सके।